हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं हफमैन एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। हफमैन कोड बेसिकली डेटा कंप्रेशन करने के लिए यूज होता है। जो गिवन डेटा है उसको एनकोडिंग करके डेटा को कंप्रेस कर देगा। तो आइए चलो देखते हैं हफमैन एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा दिया है और डेटा के आगे वैल्यू दी है, ए टू, बी टेन, सी एट, डी सेवन, ई सिक्स, एफ थ्री, जी फाइव और एच फोर लिया है। या फिर एग्जाम में कुछ इस तरह भी आ सकता है, ए फॉरवर्ड स्लैश करके टू, मीन्स ए जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू टू है, बी जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू टेन, सी जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू एट, सो ऑन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डेटा दिया है उसको वैल्यू के हिसाब से एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू के हिसाब से हर एक कैरेक्टर को एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अरेंज करने के बाद हमें पेयर बनानी है, तो मैंने ए और एफ की पेयर बना दी, एच और जी की पेयर बना दी, ई और डी की पेयर बना दी, सी और बी की पेयर बना दी। अब पेयर बनाने के बाद हमें ट्री बनानी है, तो यहाँ पे मैंने ए और एफ अरेंज कर दिया था, उसको हमें कनेक्ट कर दूंगा एक नोड से और उसका जो वैल्यू है उसका मैं सम कर दूंगा। तो 2 + 3 यहाँ पे मैंने 5 रखा और लेफ्ट साइड में 0 वैल्यू असाइन करूंगा और राइट साइड जो एज है उसको मैं 1 वैल्यू से असाइन करूंगा। अब यही प्रोसेस हमें सारे जो पेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसमें करना है। तो H और G पेयर को मैंने कनेक्ट किया नोड से, तो 4 + 5 किया तो 9 हमें मिला और लेफ्ट साइड मैंने 0 असाइन किया, राइट साइड 1 असाइन किया। सिमिलरली E और D को मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे 13 मिला हमें, लेफ्ट साइड 0 से असाइन किया, राइट साइड 1 से असाइन किया। फिर C और B को मैंने कनेक्ट कर दिया और हमें टोटल मिला 18, लेफ्ट साइड आपको 0 रखना है, राइट साइड 1 लिखना है। अब ये जो नोड है उसको हमें कनेक्ट करना है, तो 5 + 9 हमें कितना मिला, 14 मिला और लेफ्ट साइड 0 रखना है, राइट साइड 1 असाइन करना है। अब ये दो नोड में हम कनेक्ट करेंगे तो 13 + 18 हमें 31 मिलेगा और लेफ्ट साइड 0 रखना है, राइट साइड 1 लिखना है। अब 14 और 13 नोड जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमें 14 5 मिलेगा, ये रूट नोड, और लेफ्ट साइड 0 रखना है और राइट साइड 1 लिखना है। जब तक रूट नोड ना आ जाए तब तक आपको ये प्रोसेस करनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे ए कैरेक्टर का एनकोडिंग कोड चाहिए, तो हमें रूट नोड से ए तक जाना है। तो रूट नोड ये रहा, तो पहले 0, फिर ये 0 और ये 0 लेना है। तो जो कैरेक्टर ए है उसका एनकोडिंग कोड होगा 000। सिमिलरली एफ का फाइंड करना है तो 001, ये एफ का कोड हो गया। एच का कोड फाइंड करना है तो 010। जी का कोड फाइंड करना है तो 011, ये जी कैरेक्टर का कोड हुआ। ऐसे हमें हर एक कैरेक्टर का कोड मिल जाएगा। अब ऐसी कोई स्ट्रिंग दी है वो स्ट्रिंग का हमें एनकोडिंग करके कोड जनरेट करना है, तो एच जी बी ए। प्रीवियस ट्री में हमें हर एक कैरेक्टर का कोड जनरेट कर दिया था, अब ये कोड हमें हर एक कैरेक्टर की जगह रखना है। तो एच का कोड हमें पता है 010, तो एच का कोड हमने यहाँ पे रख दिया। जी का कोड हमें पता है 011, कोड यहाँ पे रख दिया। बी का कोड हमें पता है 111, तो हमने यहाँ पे रख दिया 111। और ए का कोड हमें पता है 000, तो यहाँ पे ए का कोड हमने रख दिया। सो जो गिवन स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग उसका एनकोडिंग कोड होगा ये। इस हिसाब से आप कोई भी स्ट्रिंग है उसका
हफमैन एल्गोरिदम यूज करके यूनिक कोड जनरेट कर सकते हो।